अभी आप लोग मेरे पीछे में देख सकते हैं, तो ये एक आश्रम है। इनको हम लोग स्वामी विशुद्धानंद जी का आश्रम कहते हैं, जो कि हम लोगों का जो होम टाउन है वहीं पे है, और ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मेरे घर से सामने ही है। तो आज यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं सुबह सुबह। यहाँ का जो नज़ारा होता है बहुत ही शांत होता है। थोड़ा टाइम हो जाता है तो थोड़ा भीड़ भाड़ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग आज सुबह सुबह यहाँ पे आए। तो यहाँ का दोस्तों जो वातावरण है, जो आबोहवा है यहाँ का, बहुत ही मनोरम है, बहुत ही आनंददायक है। यहाँ पे आपका जो मन है बहुत ही शांत हो जाता है यहाँ आके। तो यहाँ का जितने भी नज़ारे हैं आप लोग थोड़ा देखिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे यहाँ का जो नज़ारा है वो देख के आपको, क्योंकि ये एक आश्रम है और आश्रम हमेशा शांत जगह ही होता है। तो आगे का जो नज़ारे हैं वो आपको हम दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जो जगह है ये बहुत ही पुराना जगह है, तो यहाँ का जितने भी दृश्य होंगे वो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ अभी, बने रहिए हमारे साथ फुल ब्लॉग में। यहाँ पे जो आश्रम है स्वामी विशुद्धानंद जी का, तो यहाँ पे दोस्तों एक स्कूल भी है। तो ये स्कूल नया नया बना हुआ है, तो ये स्कूल का जो है नज़ारा वो आप लोग मेरे पीछे में देख सकते हैं। ये जो स्कूल एरिया है ये स्कूल है, और यहाँ पे देखिए माँ सरस्वती का मूर्ति भी बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो है ये स्कूल का भी आप लोग देख रहे हैं, ये एक स्कूल है जो आश्रम के अंदर में ही बना हुआ है। दोस्तों आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये एक फूल का पेड़ है, इसको पंचनाग फूल का पेड़ कहते हैं। ये पेड़ बहुत ही लंबा होता है, और इसका जो फूल वगैरह है वो फूल आप लोग देखिए कि कहाँ से जो फूल है वो शुरू हुआ है पेड़ में आना। एकदम नीचे से जो पेड़ है उसका जो डाली है छोटा छोटा कर डाली निकला हुआ है, और वहीं से आपका जो फूल है वो फूल शुरू हो गया है पेड़ में आना। ये बहुत ही यूनिक टाइप का जो फूल का पेड़ है, ये हर जगह में आपको नज़र नहीं आएगा, आज पहली बार हमको यहाँ पर नज़र आया। दोस्तों अभी हम लोग जो आश्रम का जो अंदर का एरिया है वहीं पे हम लोग अभी घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो आपको अभी हम लोग दिखाएं कि एक पेड़ है, ये जो फूल का जो पेड़ आपको अभी हम लोग दिखाएं, ये बहुत ही यूनिक टाइप का पेड़ है, ये आपको हर जगह में नज़र नहीं आएगा। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ का जो एक मंदिर है, अंदर में ही एक मंदिर है, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ का जो दृश्य है वो आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो ये एक मंदिर है दोस्तों, मंदिर अभी बंद है, अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ इसीलिए मंदिर बंद है। पूजा के टाइम पे मंदिर खुलता है, यहाँ पे पूजा भी होता है, और इसके आसपास का आप जो एरिया है वो देखिए कितना मनोरम है यहाँ का जो आबोहवा है अंदर का। दोस्तों मेरे पीछे में आपको दिखाई दे रहा होगा एक पेड़ है, तो वो जो पेड़ है दोस्तों वो मंदिर को भेद करके पेड़
जो है वो उगा हुआ है। तो दोस्तों ये एक बरगद का पेड़ है, ये बहुत ही पुराना पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं, ये शायद मतलब बहुत साल पुराना पेड़ है, ये आप लोग देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा। ये देखिए मंदिर का जो एरिया है, मंदिर के एरिया में से पेड़ जो है पेड़ उगा हुआ है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है उसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया ब्लॉग को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके सामने का जो बेल आइकॉन है उसको हिट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।